गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है फिर से गांव की इस खूबसूरत सी सुबह के साथ। आज भी हम जा रहे हैं मेले और आज मेले में समापन है, यानी कि आज मेला खत्म हो रहा है और आज है नवमी तिथि। तो आज माँ सिद्धिदात्री पूजा होगी और आज मेले में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए मेले चलते हैं और आज मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी मेले में, और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे घर वाले साथ में आ रहे हैं और ये हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते तक और ये सामने से मंदिर दिखना शुरू हो गया है। और आज मेले की खास बात यह है कि आज मेले में अलग अलग तरीके के लोक नृत्य होंगे, यानी कि फोक डांसेस होंगे। और जो सबसे पहले फोक डांस होगा वो है घोड़त्या नृत्य, और ये स्टार्ट हो गया है घोड़त्या नृत्य। इसके बाद अब यहाँ पे होगा बुढेरा नृत्य। और अब अंत में होता है हाथी नृत्य। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेदों में यही कहा जाता है कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, किसी भी पद प्रतिष्ठा तक पहुंच जाएं, परंतु जो अपनी जननी होती है माँ, एक तो जन्म देने वाली होती है और एक जननी वो होती है जहाँ पर हमारा जन्म होता है, उस जननी को जो है कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अपने युवा साथियों से यही निवेदन करूंगा कि देखिए आज जो मेला ये यहाँ पर लगा हुआ है,
ये हमारी संस्कृति, ये हमारे पुरखों की सींची हुई जो सभ्यता है वो आज उसको दर्शा रही है। यही भाव हमें यहाँ खींच लाते हैं। जिस आंगन में हमने बचपन में खेला, जिस आंगन में हमने बचपन में अपना बचपन बिताया, उस बचपन के आंगन को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये मेले, ये संस्कृति हमें अपनी ये यादें दिलाता है कि हम किस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आज माँ भगवती का ये नवरात्र मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष नवमी पर्व पर हमारे चुपका चौरी में संपन्न ताकि ओर जा रहा है। इसी कामना के साथ ये नौ गांव की जो मंदिर कमेटी है, ये आए हुए भक्तों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम अपनी संस्कृति को संजोए रखें और आने वाली पीढ़ियों को ये ज्ञान देते रहें कि परम पवित्र आप अपने आराध्य देवी राजराजेश्वरी के प्रति भाव व्यक्त रखें, ज्ञान रखें। आपको जिंदगी में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी, आप कितने भी कष्ट में हो आपकी रक्षा माँ उस स्थान पर करेगी। तो आइए आज इस परम पवित्र माँ भगवती के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष नवरात्रि की आप सभी देवी और भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, जो रोगी है वो निरोगी हो, जो निपुत्र है वो पुत्रवान हो, जो निर्धन है वो धनवान हो, और जो जिस कामना से माँ की शरण में आता है सबकी यात्रा मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का चित्त सुखभाग् भवेत्।